हम बात जल की कर रहे हैं और जल के चमत्कारी प्रयोगों की कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जल का महत्व क्या है और जल हमारे ऊपर किस तरह से असर डालता है। देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। उनमें से एक महत्वपूर्ण तत्व है जल तत्व। जल मूर्त वस्तुओं में जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, मूर्त वस्तुओं में सबसे ज्यादा मूल्यवान है और चमत्कारी भी है। जल से केवल व्यक्ति का जीवन ही नहीं चलता। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो कुंडली में जल तत्व का मतलब होता है आपकी भावनाएं, आपकी क्षमता और आपकी आध्यात्मिकता। यानी कुंडली में जो जल तत्व होता है वो आपके इमोशन को, आपकी भावनाओं को बताता है, और जो जीवन में जल होता है वो आपको स्वस्थ बनाता है, वो आपके जीवन जीने के लिए जरूरी है। जल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोख सकता है। जल के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी जाती है और जल के अंदर निगेटिव एनर्जी भी बहुत जाती है। इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की क्रिया की जाती है। जल में मंत्र पढ़ करके फूंक लगाई जाती है या जल के ऊपर हाथ रख करके मंत्र पढ़ा जाता है, जिससे जल अभिमंत्रित हो जाता है। शरीर का जो जल तत्व है, आपके शरीर में जो वाटर कंटेंट है, ये आपको शक्तिशाली और दिव्य बना सकता है। यानी कुंडली का जल तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन का जल तत्व भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताते हैं कि जल के प्रयोग के नियम क्या हैं और जल के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। देखिए, जल का अधिक से अधिक और सही तरीके से प्रयोग करने से आप निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकेंगे। दिन के समय में ज्यादा जल पीना चाहिए और रात के समय में कम पानी पीना चाहिए। खड़े होकर पानी मत पीजिए, खड़े होकर जल मत पीजिए और एक बार में ढेर सारा जल मत पीजिए। जो सामान्य तापमान का जल है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, ना तो बहुत ठंडा है ना तो बहुत गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है ये औषधि और जीवन की भांति काम करता है। ठंडे पानी से या गर्म पानी से उतने ज्यादा फायदे नहीं होंगे। जल की रक्षा करने से और जल का संरक्षण करने से चंद्रमा और मन दोनों मजबूत होते हैं। अगर आप जल की रक्षा करते हैं तो इससे चंद्रमा को शक्ति मिलती है। अगर आपके घर में जल की बर्बादी होती है, जल का दुरुपयोग होता है, तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की क्षतियां व्यक्ति को परेशान करती हैं। यानी जिन घरों में जल की बर्बादी होती है उन घरों में पैसे रुपए की दिक्कत हमेशा रहती है और उन घरों में मानसिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं। तो आपके घर में बेवजह पानी बर्बाद हो रहा है, रसोई में पानी टपक रहा है, पानी आप शेविंग कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, बेवजह बह रहा है, अगर आप पानी की बर्बादी करेंगे तो मानसिक समस्या और आर्थिक समस्या आपको बहुत परेशान करेगी और निश्चित रूप से आप कभी भी चैन से, सुकून से नहीं रह पाएंगे। अब ये जानते हैं कि जल का
ज्योतिष में क्या महत्व है और जल के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। जल मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी होता है, लेकिन मंगल वाला जल थोड़ा गर्म होता है। जल का सही प्रयोग अगर आप करें, जल की बर्बादी ना करें, तो चंद्रमा और शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। अगर जल का सही प्रयोग ना करें तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं। जब बारिश होती है, वर्षा होती है, बरसात का पानी एक कांच के बोतल में भर करके अपने बेडरूम में रखिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी। चांदी के गिलास में पानी पीने से भी चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। नियमित रूप से अगर आप सुगंधित जल से, खुशबू वाले पानी से नहाएं, तो ऐसा करने से शुक्र मजबूत होता है। कांच के गिलास में अगर आप पानी पिए तो इससे भी शुक्र मजबूत होना शुरू हो जाता है। देखिए, जल के बहुत सारे चमत्कारी प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं एक ऐसा प्रयोग जिसको करने से बीमार व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो सकता है। एक लोटा जल ले लें, जल को सामने रखें पूजा स्थान पर, शिव जी के सामने जल को रखें और उसके बाद वहां बैठ जाएं। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का बोल बोल कर जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का आपको 108 बार बोल बोल कर जप करना है। जब मंत्र का जप कर लें तो उस जल को बीमार आदमी को पिलाएं, या अगर आप खुद बीमार हैं तो उस जल को आप पिएं। अगर ऐसा निरंतर लगभग 11 दिन तक किया जाए और बीमार आदमी का जीवन अगर अभी बाकी है, तो ये उपाय करने से निश्चित रूप से उसकी रक्षा होगी, उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा।